टच, टेस्ट, साइट, स्मेल, हियरिंग, ये हमारी वो सेंसेस हैं जो हमें दुनिया से जोड़ती है। मगर क्या इनके अलावा भी कोई सेंस है? रिसर्चर्स हमारे दिमाग की गहराइयों में जाकर पता लगा रहे हैं कि ब्लाइंड लोग भी देख सकते हैं। पता लगा रहे हैं कि हमारी सोच पूरे स्पेस में घूम सकती है और हम फ्यूचर को भी महसूस कर सकते हैं। क्या सिक्स्थ सेंस वाकई है? स्पेस, समय और खुद जिंदगी, ब्रह्मांड के ये रहस्य हम जानेंगे थ्रू द वर्म होल। इंसान का दिमाग एक कमाल का अंग है। उसके अंदर उतने ही न्यूरॉन हैं जितने कि हमारे मिल्की वे में तारे हैं। साइट, साउंड, स्मेल, हमारे दुनिया में जो कुछ भी होता है उनसे एक्टिविटी की वेव्स निकलती हैं और वो हमारे दिमाग के इस विशाल नेटवर्क में फैल जाती हैं। क्या वो नेटवर्क हमारी दुनिया से इस तरह से इंटरैक्ट करता है कि हम समझ नहीं पाते? हमने अभी ये देखना शुरू किया है कि ये सेल्स क्या कर सकते हैं। जब तक हमारा दिमाग एक रहस्य बना हुआ है तब तक हम सिक्स्थ सेंस को सिर्फ सुपरस्टिशन कहकर टाल नहीं सकते। साइंटिफिकली ये पूरी तरह से मुमकिन है। बचपन में मैं बड़ा अच्छा बच्चा था मगर कभी ना कभी हदें पार कर ही जाता था। मैं भले ही नहीं देखता था पर समझ जाता था कि मैं पकड़ा गया। मैं उनकी तेज निगाहों को महसूस कर लेता था। क्या वो मेरी सिक्स्थ सेंस थी? नेदरलैंड्स की टिलबर्ग यूनिवर्सिटी में बीट्रिस डिगल्डर ये रिसर्च कर रही हैं कि हमारे इमोशंस कैसे एक से दूसरे इंसान तक जाते हैं। वो ब्लाइंड साइट पर स्टडी कर रही हैं। ये बड़ी हैरानी की बात है कि कई ब्लाइंड लोग भी दूसरे लोगों के चेहरे पर आई इमोशंस देख लेते हैं। आम विजुअल परसेप्शन तो यही है कि हम आंखों से ही कुछ देख पाते हैं और आंखें भी इसलिए देख पाती हैं कि वो दिमाग से जुड़ी होती हैं। बीट्रिस के ज्यादातर मरीज देखने में ब्लाइंड नहीं लगते। बाहर से उनकी आंखें सही लगती हैं मगर असल में वो काम नहीं करती। एक स्वस्थ दिमाग में सिग्नल्स की एक कॉम्प्लेक्स सिंफनी आंखों से विजुअल कॉर्टेक्स नाम के हिस्से तक जाती है। अगर वो विजुअल कॉर्टेक्स खराब हो जाए, जो आमतौर पर दिल का दौरा पड़ने से होता है, तब वो सिग्नल वहां तक नहीं पहुंच पाते। दिल का दौरा पड़ने पर अक्सर कॉर्टेक्स का एक ही हिस्सा खराब होता है जिससे इंसान एक आंख से नहीं देख पाता। बीट्रिस ये पता लगा रही हैं कि क्या दिमाग उस आंख से किसी और जरिए से सिग्नल पा सकता है। इसके लिए वो एक पार्टीशन के जरिए ये देखती हैं कि मरीज अपनी खराब और सही आंख से क्या देखता है। एक कंप्यूटर उसे सिर्फ एक तरफ खुश, उदास और नाराज चेहरे दिखाता है। तो हम उनके सामने एक स्टिम्यूलस रखते हैं, वो किसी का हंसता चेहरा होता है, उस शख्स का जो खुशी मना रहा हो। मरीज के चेहरे पर लगे इलेक्ट्रोड्स उसके इमोशन से मसल्स में आए किसी भी बदलाव को महसूस कर लेते हैं। हमने देखा उसका चेहरा भी उसकी नकल कर रहा था। वो अनजाने में ही उन मसल्स का इस्तेमाल कर रहा था जो स्क्रीन पर नजर आ रहे मॉडल ने अपनी स्माइल के लिए किया था। हैरानी की बात यह है कि मरीजों की उस आंख को ये इमोशनल फेसेस दिखाए जा रहे हैं जो खराब है। ठीक आंख से तो वो सिर्फ न्यूट्रल एक्सप्रेशंस ही देख पाता है। इसके बावजूद बीट्रिस के मरीज बार बार अपनी खराब आंख से उन इमोशंस की नकल कर रहे थे।
मगर ये उनका कॉन्शियस रिस्पांस नहीं था। हमने उनसे पूछा कि आप श्योर हैं या गैस कर रहे हैं, तो ज्यादातर जवाब यही मिला कि वो गैस कर रहे थे। बीट्रिस को लगता है कि ब्लाइंड साइट असल में दिमाग के एक छिपे हिस्से में कहीं गहरे में मौजूद एक ऐसा सबकॉन्शियस सेंसरी सिस्टम है जो सिर्फ इमोशन वाली तस्वीरों पर सिग्नल रिसीव कर पाता है, मगर दिमाग का वो हिस्सा है कहां पर? हम दिमाग की कई अलग अलग परतों में झांकने की कोशिश कर रहे हैं। हम उसकी सतह से लेकर काफी अंदर तक देख रहे हैं ताकि हमें ये पता लग सके कि उस अंदर या नीचे वाले हिस्से में क्या होता है, वो कैसे काम करता है, वो किस तरह से बना है, क्या वो नीचे वाली ज्यादा पुरानी परतें हैं। बीट्रिस ने उन परतों का पता उस वक्त लगाया जब इन्होंने मरीज को MRI के अंदर डालकर उन ब्लाइंड साइट पेशेंट्स को फेशियल एक्सप्रेशंस वाली वही तस्वीरें दिखाई। आमतौर पर आंखों को दिखने वाली किसी चीज की इंफॉर्मेशन ऑप्टिक नर्व के जरिए विजुअल कॉर्टेक्स तक जाती है, मगर जब आंखें ह्यूमन इमोशंस को देखती हैं, तब वो रास्ता बदलकर एमिग्डाला, सुपर कॉलिकुलस और दिमाग में बने 6 दूसरे स्ट्रक्चर्स में चले जाते हैं। इंसान के विजुअल सिस्टम में कम से कम 9 अलग अलग रास्ते होते हैं। हमने उनमें से सिर्फ एक को समझना शुरू किया है और 8 तो अभी भी पूरी तरह से बैकग्राउंड में हैं। ऐसे में अभी तो यही लग रहा है कि जब वो रास्ता बंद हो जाता है तभी बाकी रास्तों को मौका मिलता है। बीट्रिस ने उन सबकॉन्शियस मेंटल पाथवेज का पता लगाया जिनसे हम इमोशनल स्टिमुलाई को देखते नहीं हैं, बल्कि उन्हें महसूस करते हैं। वो हम सभी के अंदर होते हैं, मगर आमतौर पर वो हमारी साइट के प्राइमरी सेंस से दबे होते हैं। हम जिन 5 सेंसेस को जानते हैं उनके अलावा एक नए सेंस के बारे में ये पहला साइंटिफिक एविडेंस है। जो लोग 6 सेंस को नकारते हैं उन्हें और ध्यान से सोचना चाहिए, क्योंकि हम अभी भी दिमाग की काबिलियत को पूरी तरह से नहीं जानते हैं। बीट्रिस की रिसर्च से हमें ये पता लगा कि हमारा दिमाग उन चीजों को भी महसूस कर सकता है जिनके बारे में हम नहीं जानते। इससे तो यही लगता है कि हम 6th सेंस को शायद तभी समझ पाएंगे जब हम कॉन्शियस अवेयरनेस और सबकॉन्शियस एक्सपीरियंस के बीच की हद को समझ पाए। महीने में एक बार फिलोसोफर्स का एक एलीट ग्रुप ग्रीनिच विलेज की इस छोटी सी जगह पर मिलता है। ये खुद को न्यूयॉर्क कॉन्शियसनेस कलेक्टिव कहते हैं। इस जैम सेशन की कमान है डेविड चामर्स के हाथों में। ये भले ही मैडिसन स्क्वायर गार्डन में नाम न कमा पाए, मगर अपनी रिसर्च के दम पर ये एकेडेमिया में काफी मशहूर हो चुके हैं। ये हमारे कॉन्शियसनेस के नेचर और उसकी लिमिट्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। कॉन्शियसनेस हर लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य है। यही वजह है कि साइंटिस्ट्स ने भी इतने मुश्किल सवाल का जवाब ढूंढने से किनारा सा कर लिया। देखिए, साइंस ऑब्जेक्टिव है जबकि कॉन्शियसनेस सब्जेक्टिव। पिछले कुछ डिकेड से ही साइंटिस्ट्स ने कॉन्शियसनेस को गंभीरता से लेना शुरू किया है। डेविड मानते हैं कि कॉन्शियसनेस को समझने के लिए उसे लेयर्स में समझना होगा, उन लेयर्स में जो हमारे सेंसेस के डेटा जमा करने से बनती है। कॉन्शियसनेस के भी कई अलग अलग लेवल्स होते हैं। सबसे पहली तो है प्राइमरी कॉन्शियसनेस। ये वो कॉन्शियसनेस है जो हम आसपास की चीजों को देखकर बनाते हैं। किसी इंसान के आसपास की चीजें हमें नजर आएं, वो मेरी पहली लेवल की कॉन्शियसनेस है। लेकिन उसके बाद अगर मैं रुक कर रिफ्लेक्ट करूं तो मैं अपनी कॉन्शियसनेस के लिए कॉन्शियस बन जाऊंगा। मैं वो बन जाऊंगा जो मैं सोच रहा हूं। उसके बाद कॉन्शियसनेस के अंदर कॉन्शियसनेस होती है। अगर मैं फिर से रिफ्लेक्ट करूं तो मैं इस बात से कॉन्शियस हो जाऊंगा कि मैं अपनी कॉन्शियसनेस को लेकर कॉन्शियस हूं। उसके बाद आती है वो कॉन्शियसनेस जिसमें वो कॉन्शियसनेस होती है जिसके अंदर कॉन्शियसनेस समाई होती है। हम अभी 3 लेवल तक ही गए हैं। ये सिलसिला तो लगातार चलता रह सकता है। हमारा दिमाग इतनी लेयर्स का सामना करता है कि वो कई ऐसी चीजों के बारे में भी सोचने लगता है जिन्हें हमने कभी महसूस भी नहीं किया है। हमारी कॉन्शियसनेस के बैकग्राउंड में भी कुछ चीजें होती हैं जो काफी अंदर छिपी होती हैं। कुछ चीजें हमारी कॉन्शियसनेस में टिमटिमाती रहती हैं। वो कुछ देर के लिए हमारा ध्यान खींचती हैं,
फिर गायब हो जाती हैं। कुछ चीजें हमारी कॉन्शियसनेस के फोकस में होती हैं, वो हमारा ध्यान खींचती हैं, वो गायब नहीं होती। मगर हमें ये कैसे पता लगा कि हम क्या मिस कर रहे हैं, क्यों हमारी कुछ खास हरकतें ही हमारी यादों में बनी रहती हैं? जब हम किसी चीज के बारे में कॉन्शियस हो जाते हैं तब हमारे दिमाग में क्या चलता है, ये अभी तक राज ही बना हुआ है।